इश्तिहारी इसहाक डार की अहलिया की लाहौर में घर नीलामी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इसहाक डार का लाहौर गुलबर्ग में घर नीलाम करने की इजाज़त। अदालत ने घर पर तबस्सुम इसहाक डार का दावा मुस्तरद करने का जो फैसला है उसे बरकरार रखा है। तबस्सुम इसहाक डार का यह मौकफ था कि एहतसाब अदालत ने घर पर मेरे दावे की तहकीक किए बगैर ही हुक्म जारी किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, इश्तिहारी इसहाक डार की अहलिया की लाहौर में घर नीलामी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसहाक डार का लाहौर गुलबर्ग में घर नीलाम करने की इजाजत। अदालत ने घर पर तबस्सुम इसहाक डार का दावा मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा है। तफसीला जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने आज ये फैसला सुनाया है जो साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की अहलिया की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई, जिसमें उनका ये मौकफ था कि इसहाक डार का जो घर उनके जो असासा जात केस में मुंजमद किया गया है और उसको नीलाम करने का नैब ने फैसला किया है, वो मेरा घर है, तबस्सुम इसहाक डार का घर है, लिहाजा उसको नीलाम करने से रोका जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का वो फैसला बरकरार रखा है जिसमें एहतसाब अदालत ने ये इजाजत दे दी थी नैब को कि ये घर नीलाम कर दिया जाए, क्योंकि इसहाक डार मुसलसल इश्तिहारी हैं और उनको उनका ये जो दावा कि ये घर 1999 में उनको दे दिया गया था इसहाक डार की तरफ से, ये दावा गलत है, झूठ है। लिहाजा इसहाक डार की जो ये प्रॉपर्टी है जो गुलबर्ग 3 में है ये अब नीलाम होगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसके ऊपर जो स्टे ऑर्डर था वो भी खत्म कर दिया है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये जो अपील थी तबस्सुम इसहाक डार की ये खारिज कर दी है और अब जो नैब है उसको ये इजाजत मिल गई है कि वो इसहाक डार जो इश्तिहारी हैं असासा जात केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ये नीलाम कर दी जाए, इस बात की इजाजत दे दी है इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी, जिसकी पहली इजाजत नैब की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने दी थी और आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दो रुकनी बेंच ने तबस्सुम इसहाक डार की अपील भी खारिज कर दी है और नैब को इजाजत दे दी है कि नैब इसहाक डार की जो गुलबर्ग 3 की प्रॉपर्टी है उसको भी नीलाम कर दे और ये रकम जो है वो फिर खजाने में जमा करवाई जाए। आमिर शुक्रिया आपका।